नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस, उस पर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत यानी हिरस के साथ हो, लालच के साथ हो, जायज़ नजायज़ की परवाह के बगैर हो, दुनिया की मोहब्बत, माले दुनिया की मोहब्बत, हुजूर फरमाते हैं ये हर बुराई की जड़ है। जब किसी शख्स को प्यार हो जाए कि मैंने पैसे ही जमा करने हैं, दौलत ही इकट्ठी करनी है, माल ही जमा करने है, जब उसका ये जहन बन जाए तो फिर वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। उसे हुकूक ज़ाया होते नज़र आए तो होते रहें, यतीमों का माल है कि गरीबों का माल है कि ज़कात का माल है कि खैरात का माल है कि किस चीज़ का माल है, किसी शरीफ पाबंदी का लोग ख्याल नहीं करते। गलबा जो कर गई दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया की मोहब्बत जिस तरह हर बीमारी की जड़ है, नुकसान करती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि दिल क्या चाहता है दरअसल। ये सीने में है, धड़कता है, तो बुनियादी तौर पर सुबह से शाम तक इसकी तलब क्या है, इसकी चाहत क्या है, ये हमें देखना चाहिए ना। जिस तरह दुनिया की मोहब्बत तबाही पैदा करती है ना, इसी तरह अगर मोहब्बत हो जाए ना अल्लाह रसूल से, रब रसूल से हो जाए प्यार, तो भूख भी बड़ा ही मजा देती है। अल्लाह रसूल से हो जाए प्यार तो उनकी तरफ से आने वाले सुख जितनी लज्जत देते हैं, दुख भी उतना ही मजा देते हैं। और दरवेश कहते हैं, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहें प्यारे। फिर वो तकलीफ़ें, वो आजमाइशें, वो परेशानियाँ, वो गुर्बतें, वो वक्ती तौर पर लोगों के ताने, वो तनकीद, वो तंज, वो भक्ति, ये सारी चीज़ें मज़ेदार हो जाती हैं। मोहब्बत अल्लाह रसूल से, हम ना अपनी तबीयतों में चाहत की, रब रसूल की मोहब्बत की वो ख़ास लज्जत नहीं पैदा करते जो होनी चाहिए। महफिल भी होती हैं, रोज़े भी आते हैं, हज भी होते हैं, उम्रे भी होते हैं, हज उमरा अल्लाह रसूल के लिए है कि फोटो के लिए? महफल अल्लाह रसूल के लिए या फ्रंट सीट के लिए? रब रसूल की तारीफ होगी या 15-20 लोगों की लिस्ट पहले पढ़ के सुनाई जाएगी कि फलाना भी मेहमान खसूसी है, फलाने की जेरे निगरानी है, फलाना भी आया है, फलाने भी कहा था कि जरा भाई। जब तक उसमें खलबा, ये एक बड़ी सादी सी बात है और ये अहम सबक है, दिल से पूछ ले प्यार किसे करता है। और किसी बंदे को धोखा दिया जा सकता है, किसी को अपनी बातों से मुतासर किया जा सकता है, किसी आदमी को दिखाया कुछ, बताया कुछ जा सकता है, कुछ छुपाया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ना तुम्हारा चेहरा देखता है, ना तुम्हारी जेब देखता है, मालिक तो जब देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है। तो दिल की कैफियत अल्लाह को पता है। दिल बेचैन इसलिए रहते हैं कि ये जो प्यास और जो तलब करते हैं वो हम इन्हें पहुंचाते नहीं। दिल बेकरार इसलिए रहते हैं कि ये रब रसूल की मोहब्बत से ठंडे हो, हम इधर उधर की चाहते लिए फिरते हैं। इनके अंदर बेकरारी इसलिए है कि हमने उम्मीदें लोगों से व्यवस्था कर ली है, जो लोगों से नहीं करनी चाहिए थी अल्लाह रसूल से करनी चाहिए। हमने असबाब को इख्तियार करना है, भरोसा असबाब पर नहीं, भरोसा तो अल्लाह ताला पे करना है। तो जब तक देखे ना, कुरान मजीद ने क्या कहा, कुरान मजीद ने कहा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, अपने रब से प्यार करते हैं, उनके सजदे बोझ नहीं, उनके सजदे तो लज्जत है। उन्हें नमाज के लिए लाना नहीं पड़ता, जबर नहीं करना पड़ता, उनके तो दिल खींचे चले आते हैं, उनको तो प्यार हो गया, रात सारी बीत गई और एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ। वो तो माल चूंकि अल्लाह ने दिया है तो राह खुदा में खर्च करते वक्त उनकी तबीयत किसी किस्म का तकल्लुफ नहीं महसूस करती, कोई बोझ नहीं महसूस करती, क्योंकि वो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करते हैं, तो ये चीजें उनके सामने कभी भी रुकावट नहीं बनती। दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की, और जहाँ तक ताल्लुक है मेरे रसूल पाक का, अल्लाह करीम ने फरमाया, अन्नबी वौला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम,
फरमाया ये जो नबी है ना, ये तो मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। तो हर वक्त दिल की धड़कनों में, रूह की ठंडक में, कल्ब में, दिल में, रूह में, जहन में जो चीज़ हर वक्त समाई है ना मोमिनों के, वो रसूल पाक की ज़ात। अगर रात सारी बंदा यही सोचता रहे कि सवेरे यार किस तरह काम चलाना है, पैसे कैसे आएंगे, जो मेरे पास 2 लाख है इसे 6 कैसे करना है, और ये 6 है ये 12 कैसे हो सकता है, और जनाब ये दुनिया मेरी कैसे आगे बढ़ सकती है, और ये जो प्लाट पड़ा है ना मेरे घर के बिल्कुल सामने, कैसे कुछ चक्कर चले कि मेरा हो जाए, गाड़ी है ज़रा छोटे टायरों वाली बड़े टायरों वाली कैसे आ सकती है। अगर 24 घंटे मनसूबाबंदी दुनिया हासिल करने से दीन मना थोड़ा करता है। हुजूर ने तो फरमाया मेहनत करके कमाई करने वाला अल्लाह का दोस्त है, मना नहीं है, लेकिन हर वक्त उसी गिनती में रहना, उसी के शुमार में रहना, उलझ जाना और जो असल चीज थी उसको छोड़ जाना। हम ना नेकी करते हैं, मोमिन होते हैं, लेकिन उसकी लज्जत नहीं पाते। यानी अगर नमाज पढ़ के भी बंदा करार ना हासिल करे, अगर वो खैरात करके भी उसकी ठंडक ना महसूस करे, मस्जिद आके महफल करा के महफल में बैठ के फिर भी उससे कोई रूहानियत ना पा सके, उसने बीसियों उलमा सुने, उसने दर्जनों खुतबा सुने, उसने सारी जिंदगी गुजार दी लेकिन उसके दिल की कैफियत ही ना बदली, वो लज्जत खास ही उसे नसीब ना हो, तो फिर उसे सोचना चाहिए ना कि दिल में ना अल्लाह ताला ने ना हर चीज दो दो बनाई है, होंठ दो, आंखें दो, कान दो, हाथ दो, पैर, दिल अल्लाह ने एक ही बनाया। ये नहीं हो सकता कि चलो एक तरफ मुझे रख लो एक तरफ किसी और को रख लो, दिल ही एक बनाया है। वो कहता है बस दिल एक है तो रब रसूल ही रहेंगे इसमें, इसमें इधर उधर की चाहते न ले आना जब तक दिल के अंदर पूरी तौर पर अल्लाह रसूल की, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो। आप ज्यादा गौर करें मेरी बात पर, एक है खाना, एक है मजेदार खाना, एक है मोमिन होना और एक है मोमिन होने का मजा आना, लज्जत नसीब होना कि मैं साहिब ईमान हूं। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ईमान की लज्जत नसीब हो, ये हदीस आपने भूलनी नहीं बुखारी मुस्लिम में, अगर चाहते हो कि ईमान की लज्जत नसीब हो तो 3 काम करो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन कौन से? हुजूर फरमाने लगे पहला काम ये करो कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। लेकिन ये नीरा नारा नहीं लगाना, ये गौर करना है, पैसों पर अच्छी तरह गौर करके सोच लेना है कि पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि अल्लाह रसूल, ये गौर कर लेना। ये जो झूठी ना के बुत बनाए हुए ना, मेरी इज्जत, मेरी बरादरी, मेरी अफसरी, मेरा कबीला, मेरी कुर्सी, ये गौर कर लेना कि कुर्सियाँ ज्यादा प्यारी हैं, इकतदार ज्यादा प्यारा है कि अल्लाह रसूल। एक तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत और एक तरफ तेरी बरादरी के रस्म और रिवाज, लेकिन शादी वाले दिन रस्म और रिवाज जीत गए, किधर गई तेरी मोहब्बत रसूल? वो सिर्फ महफल वाले दिन थी, रबीउल अव्वल शरीफ में थी। हम तो दीनदार समझते ही उसको हैं, जिसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है, महफल में तो सारे दीनदार होते हैं। ये तो पता ही तब चलता है जब किसी का इंतकाल हो जाए या घर में कोई खुशी आए कि अब ये कितना दीनदार है, अब पता चलेगा। मस्जिद में तो सारे दीनदार हैं। फरमाया कर चाहते हो कि लज्जत ईमान नसीब हो तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो। शुक्रिया का तकल्लुफ भी छोड़ दो, वो मेरा एहसान मानेगा ये भी छोड़ दो, मेरी तारीफ करेगा ये भी छोड़ दो, फकत अल्लाह रसूल की रिजा के लिए रिश्ते बनाने शुरू करो, मोमिन होने का मजा आएगा। जितने हम शिकवे करते हैं ना रिश्तेदारों के, भाइयों के, कबीलों के, बरादरियों के, ये सारे खत्म हो जाए अगर हम मोहब्बत अल्लाह रसूल की वजह से करनी शुरू करें। अगर बुनियाद अल्लाह रसूल की रजा हो तो हमारी तबीयतों में किसी के लिए नफरत पैदा ना हो, बेअदबी पैदा ना हो, कोई ऐसा माहौल ना आए। क्यों?
कि हम डायरेक्ट प्यार ही नहीं करते, हम जिससे भी प्यार करते हैं दरमियान में रब और रसूल को रात के करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन रब ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाएगा वो कहाँ हैं जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए आपस में प्यार करते थे, या अल्लाह क्या मिलने वाला है। अल्लाह फरमाएगा आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए आपस में प्यार करते थे, उन्हें आज मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। तो अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करें, एक जिससे भी प्यार करें अल्लाह रसूल के लिए करें, और दूसरा फरमाया मोमिन होने के बाद, कलमा नसीब होने के बाद, ईमानदार होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करे, इतना नापसंद करे जितना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद करे। अगर ये जेन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचे रहते हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई, अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत, इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा, मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी जेन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभानअल्लाह माशाल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो, सालों बीत गए ढूंढते तलाश करते, आते हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते, गुलामी करते, कहां से चले कहां पहुंचे। अगर ना समझ आए तो हजरत खुबैब से पूछो, ना समझ आए तो बदर में जाके शहीद होने वालों से पूछो ये मोहब्बत कितना ताकतवर करती है। हजरत अंस बिन नदर से पूछो मैदान उहद में कि ये मोहब्बत अफकार को जिंदा करती है, रूह को ताजा करती है। बंदा ना ज्यादा बातों से वैसे ही बच जाता है, एक शय सिर्फ याद करनी पड़ती है, एक शय इल्मो बस करियो यार ए होई हरफ तेनू दरकार। आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदके हम जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई, जो आग बुझा देगी अब वो। और फिर आला हजरत फरमाते हैं कि याद रखना जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा और जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा। एक होता है शिफा का मजा, एक होता है बीमारी का मजा। ये हुजूर की मोहब्बत की वो वाला दर्द है कि ये मजेदार है। आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, वो लोगों जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, और फिर के गली गली तबा हम ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अकल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। से अभी बैठे ना नबी पाक की बारगाह में, और देर से बैठे और जम के बैठे, बिठा के अपने महबूब को अपने पहलू में, जो लोग कुछ नहीं करते वो भी कमाल ही करते। देर से बैठे और बैठे नबी करीम ने फरमाया जाओ कोई काम भी करो,
उठे सुतून की ओट से होके वापस आ गए। कहने लगे या रसूलल्लाह आपके बगैर दिल ही नहीं लगता था, तबीयत ही नहीं जमती, कहीं नजर ही नहीं ठहरती। जब तक आप अपने दिल की कैफियत, यार हमारे बुजुर्ग हमें तो वक्त नहीं मिलना चाहिए, अगर हमारा दावा है कि हमें हुजूर से मोहब्बत है तो वक्त ही नहीं मिलना चाहिए। सीरत सारी पढ़ ली है हमने, हुजूर की अहादीस याद कर ली है, नबी पाक के फजाइल पर जो किताबें लिखी गई हैं वो हमारे पास हैं। क्या आज सुबह से लेकर अब तक 1100 बार दुरूद शरीफ नसीब हुआ है? क्या अगर हुजूर से मोहब्बत है तो हमारे दिल में नबी पाक की उम्मत का दर्द है? हुजूर पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद को हमने समझा है? दीन इस्लाम की रोशन तालीमात के हम कितने करीब गए हैं? फारिग वक्त आप क्या जी, मैं आजकल बोर होता हूं, तो भाई आप किताब खरीदें हुजूर की सीरत पर पढ़े, शाब्दुल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने क्या लिखा है, पढ़े हुजूर के फजाइल कमालात, पढ़े शिफा शरीफ काजी एजाज क्या लिखते हैं। जिंदगी तो इधर उधर जाया हो रही है, मोहब्बत वाला तो अपना टाइम, यहां तो किसी को प्यार हो जाए ना अपने घर से तो कुर्बानी देता है, कहता है आप सब लोग खाएंगे मैं परदेश में जाके कमाऊंगा, प्यार हो गया ना तो उसने जद्दोजहद की है, उसने उम्र गुजार दी। हमें अगर प्यार हो तो फिर अंदाज कुछ और, थोड़ा सा ना अपनी कल्बी वारदात पर तवज्जो दें, अपने दिल से पूछें, एक तस्वीर रख लें हाथ में, इस तरह मोबाइल हो ना बंदे के पास तो चैन नहीं ना लेने देता, जिस तरह मोबाइल हाथ में हो तो चलता रहता है ना, इंशाल्लाह तस्वीर भी हाथ में होगी तो दरूद पाक चलता रहेगा। ये करें, करें ये काम, हुजूर के तज़कारे जमीला, नबी पाक का तज़करा, अपने कल्बे अथर में हुजूर की मोहब्बत। आप देखें ना कभी सहाबा का मिजाज, एक होता है बड़े मशवरे करना और एक होता है जिंदगी में ना एक अरब याद कर लेना। सहाबा ने ना एक सबक याद किया था कि जो हुजूर कह देंगे ना, ये बड़ा मुख्तसर, बड़ा जामे, बड़ा मजेदार और सारे पहलुओं को इकट्ठा करने वाला सबक है। जो करीम कह देंगे ना, लंबी चौड़ी दौड़ ही नहीं, जो हुजूर फरमा देंगे। हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा आपको पसंद क्या है, कहने लगे हुजूर आपको देखते रहना, मेरा दिल करता है मेरी बेटी घर में खिदमत करे, हुजूर मेरा दिल करता है अल्लाह मुझे माल देता रहे, मैं आपके कदमों पर कुर्बान करता रहूं। सानू तो कैद सज्जन का कहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है, हमने तय कर लिया है, हमने इधर उधर एक मुख्तसर सा सबक याद कर लिया। आप याद रखें हमारे पास कोई ना कोई लज्जत है, किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ रहे हैं, हर बंदा दौड़ रहा है, कुछ मान के दौड़ते हैं कुछ ना मान के दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ लगी हुई है। आप यकीन करें मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ढूंढ के महफल में जाते हैं, आज मैंने अपने नबी की नात सुनी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको किताब मिल जाए ना टाइटल में लिखा हो हुजूर का तज़किरा, दौड़ के खरीद लेते हैं। मैंने देखा है कि हुजूर के मिलाद पाक में वो यूं खर्च करते हैं कि जैसे बस पूरी कैफियत आ रही हो गई, नबी पाक की निस्बत जहां नजर आई हुजूर के साहब की बात आई या औलाद की बात आई, उम्मत के औलिया की बात आई या उलमा की बात आई, दीन के तलबा जो मदरसों में पढ़ते हैं उनकी बात, जहां जहां जिक्र आया हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अपने दिल में इस मोहब्बत को पैदा करें। मैं आपसे अर्ज करूं औलादें भी परेशान है हमारी, हमने बच्चों को पैसे दिए टाइम नहीं दिया, हमने बच्चों को घर दिया है खानदानी माहौल नहीं दिया। अब शिकवा सिर्फ बच्चे से नहीं कि वो मोबाइल पे है, अब्बा भी तो मोबाइल पे है, वो भी तो नहीं ना छोड़ रहा। बच्चे जो छोटे मोटे सवालात अपने माँ बाप से पूछते थे तो एक खानदानी रिवायात उनका हुस्न मुंतकिल होता था, वो अब रुखसत हो रहा है। बच्चे अपने घरों में, आपको पता है ये सहाबा की औलादें क्यों जान कुर्बान करती थी नबी पाक में, उन्होंने घर में जो देखा था ना अपने माँ बाप को करते तो वो तैयार थे, एक से एक बढ़कर था। हजरत अमर बिन जमू जंग में आए तो चारों बेटों समेत आए, औलादें साथ आई इनकी, क्यों
नबियों ने अपने बच्चों को वक्त दिया, टाइम दिया, उनकी तरबियत की। देखें, एक है मैं तकरीर करूं, तकरीर से भी बच्चे सीखेंगे। एक है कि जो उनका बाप करता है। मैं अक्सर एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि कई दफा घर में ना अम्मा कहती है पुत्र चुप कर जा, तेरा अब्बा आजकल परेशान है, नाराज हो जाएगा, चुप कर, अभी बात ना करना, कारोबारी टेंशन चल रही। होता है कि नहीं? पुत्र आज ना बात करना, आज तेरे अब्बा जी का मूड नहीं ठीक। होता है ना, तो कभी कभी यूं भी होना कि अब्बा बिस्तर में रो पड़े तो पुत्र उठ के जाके पूछे अम्मा जी खैर है, तो अम्मा भी रो पड़े, अम्मा बताओ तो सही हुआ क्या। तो अम्मा के पुत्र तुम्हारे बाप को ना हुजूर का मदीना याद आ रहा है। आप यकीन करें, ये रंग औलाद पे वो रंग चढ़ाएगा, ये अंदाज वो अंदाज सिखाएगा। अब्बा पैसों के लिए तो रोज रोता है, जमीनों जायदादों के लिए रोता है, मेरा कारोबार नहीं चलता रोता है। काश ये कभी उस मुल्क की मोहब्बत में रोए, ये कभी उस दर्द से तड़पे, कभी इसकी वो कैफियत बने। बच्चे को कहना नहीं पड़ेगा अपनों के तो आंसू देख के बंदे के आंसू आ जाते हैं। रूहों की जैसे ही कुर्बत होती है, दर्द आंसू बन के छलक निकलता है। जब तक ये मोहब्बत इस बार रफ्तगी के साथ नहीं पैदा होगी, कभी अब्बा उंगली लगाए ना बच्चे को और मस्जिद में जाके कारी साहब दिल बड़ा परेशान है, जरा हुजूर की गुनाह तो सुनाए, जरा घर में बच्चे को कहे ना पुत्र ये खोल जरा मोबाइल और हुजूर की फुला नात तो लगा, मेरा दिल कर रहा। तो ये भी अंदाज है जो बच्चों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा करेगा। लेकिन हमने ना बिल्कुल एक रवायती अंदाज इख्तियार किया हुआ है। ठीक है, कभी को सिलसिला हो गया तो हो गया, उसकी जो अमली कैफियात है वो हमारे यहाँ नहीं है। बात खत्म करने लगा हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला उन्होंने ना कलमा पढ़ लिया, माँ एहतजाज पे बैठ गई, अगर तू कलमा नहीं छोड़ेगा तो मैं रोटी नहीं खाऊंगी उतनी देर तक जब तक तू कलमा नहीं छोड़ता माँ से। सहाबा किराम ने ना शदीद टकराव देखा है जब उनको मुसलमान हुए। हम तो नेकी करते हैं, कोई खैर का काम करते हैं तो शाबाश मिलती है, वहां ये नहीं था। वहां तो आपने ऐलान किया नहीं और पत्थर बरसे नहीं। अम्मा भूखड़ ताल में बैठ गई। अब जाहिर है गली मोहल्ले में बातें भी होती हैं, बरादरी कबीले में बल्लो जी अम्मा हड़ताल पे बैठी है, भूखड़ ताल पे। हजरत साद बिन अबी वकास ने दो तीन दिन देखा, तीसरे दिन माँ भी थोड़ी, अब दो तीन दिन बंदा रोटी ना खाए हालत और हो जाती। हजरत साद जाके ना अम्मा के सराहने खड़े हो गए, कहने लगे अम्मा मैं तेरे पुत्र हूँ ना और मुझे सबसे ज्यादा तू ही जानती है। अम्मा ने कहा इसी तरह ही है। कहने लगे अम्मा तू मेरे जज्बे भी जानती है, का पुत्र बिल्कुल जानती हो। तो कहने लगे तेरी एक जान है ना, अगर तेरी हजार भी हो ना, एक एक करके सारी निकल जाए तो मदीने वाले का कलमा फिर भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो कच्चा रंग के ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। अम्मा तेरी हजार जान भी हो निकल जाए तो ये कलमा मैं छोड़ने वाला। लगी अम्मा भूखड़ ताल खत्म, कहने लगी मेरा पुत्र है मैं जानती, ये जो उसे ये वाली मैं हर काम छुड़ा लेती थी पर ये जो प्यार हुआ है ना ये छुड़ाया जा सकता, ये नहीं छुड़ाया जा सकता। वो दुनिया के झगड़े ऐसा छोड़ देते, सियासत के झगड़े ऐसा छोड़ देते, मोहब्बत का झगड़ा है छुड़ा कोई नहीं सकता, ये छुड़ा कोई नहीं सकता। मेरे दोस्तों खास प्यार करें, दुरूद शरीफ पढ़ के सोए, सजदा इस नियत से भी कभी करके देखें कि हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आप ना थोड़ा सा अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली प्यार वाली लाएं, इस नियत से फजर की नमाज सर पे कपड़ा बांध के पढ़ें कि इमामा हुजूर की सुन्नत है।